वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप स्टडी में हर्डमानिया के बारे में। हर्डमानिया जिसको सी स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, हर्डमानिया जो है एनिमल वो फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत शामिल है और इसको सब फाइलम यूरो कोर्डेटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हम टाइप स्टडी में हर्डमानिया को यहाँ पर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि टाइप स्टडी के रूप में जो फाइलम के जो करैक्टर्स है या हम कहें उस सब फाइलम के जो करैक्टर्स होते हैं उस पर्टिकुलर एनिमल्स में पाए जाते हैं। उसमें पाए जाने के कारण हम एक रिप्रेजेंटेटिव अगर हम एग्जांपल को डिटेल से समझ लेते हैं तो हम पूरे फाइलम से या क्लास से फेमिलियर हो जाते हैं जिससे भी वो बिलोंग करता है। अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हर्डमानिया के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें फाइलम से हम शुरू करें, फाइलम कोर्डेटा है। इससे ऊपर भी एक और सिस्टमेटिक भाग होता है, उसको कहते हैं किंगडम। किंगडम जो है इसमें हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया है। जब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनको एनिमेलिया में रखा गया है। हर्डमानिया को फाइलम कोर्डेटा में, कोर्डेट्स के करैक्टर आपको विदित हैं, थ्री प्राइमरी करैक्टर्स जो पाए जाते हैं, क्लास एसिडिएसिया, ऑर्डर प्लूरोगोना, सब ऑर्डर स्टोलिडोब्रेंकिया एंड जीनस है हर्डमानिया। हर्डमानिया एक जीनस है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और स्पीसीज यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है पैलिडा। पैलिडा स्पीसीज है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है हर्डमानिया का। अब हम समझते हैं इसके नेक्स्ट करैक्टर्स में बेसिक नाम के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। कॉमनली नोन एज सी स्क्वाड, इसको सामान्य रूप से समुद्री फवारे के रूप में जाना जाता है। इसको कहते हैं समुद्री फवारा। हर्टमेयर, जो हर्टमेयर है उन्होंने हर्डमानिया नाम दिया था। ये एनिमल्स जो है हर्डमानिया, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, वो सीलियरी फीडर एनिमल्स हैं, हर्मोफ्रोडाइट नेचर के हैं, यानी ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं। मेल और फीमेल एक ही बॉडी ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इसकी लाइफ सेडेंटरी लाइफ होती है, मीन्स जो हर्डमानिया है वो एक ही जगह स्थानबद्ध पाया जाता है। इस वजह से इसमें मेल और फीमेल अगर एक ही बॉडी में पाए जाते हैं तो इसको प्रोजेनी बढ़ाने में मदद मिलती है, आसानी रहती है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहे हैं। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है और लार्वा जो होता है वो टेडपोल होता है और फ्री लिविंग होता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का जो लार्वा है, इसमें हर्डमानिया के द्वारा जो लार्वा उत्पन्न किया जाता है वो फ्री लिविंग होता है। क्योंकि एडल्ट तो एक ही जगह स्थानबद्ध होता है जबकि इसका जो लार्वा है वो फ्री लिविंग होता है। इससे भी ये फायदा है कि ये एक अपनी जनरेशन को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में भी मदद करते हैं। अब हम समझते हैं हर्डमानिया के हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, यहाँ किस तरह का इसका स्वभाव होता है और कौन से आवास में ये पाया जाता है। स्वभाव में ये सोलिटरी एनिमल्स होते हैं। सोलिटरी का मतलब ये एकल पाए जाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि ये ग्रुप में भी पाए जाते हैं। इट इज एक्सक्लूसिवली मैराइन हैबिटेट, मतलब ये समुद्री पानी में पाए जाते हैं, यानी कोई भी सदस्य या इसकी कोई भी ऐसी स्पीसीज नहीं है हर्डमानिया की जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाए। यहाँ से जितनी भी स्पीसीज है वो सभी मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। यहाँ हमें ये भी बात ध्यान रखनी है जो कि जो ये यूरो कोर्डेटा के सदस्य है, यूरो कोर्डेटा का ये सदस्य है। यूरो कोर्डेटा के जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। एडल्ट इज ए सेसाइल फॉर्म, एडल्ट जो होता है वो स्थानबद्ध होता है, एक जगह ही स्थिर अवस्था में पाया जाता है। अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय इट्स बेस और फुट, इसके
बॉडी भाग में जब हम देखेंगे तो इसका जो बेस पार्ट होता है या जिसको हम फुट भी कहते हैं, वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ में, जो चाहे समुद्र की तली में भी हो सकता है, वो चाहे पत्थर हो सकता है या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर की शेल के ऊपर भी ये पाया जा सकता है। अब हम समझते हैं शेप एंड साइज ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया हमें डायग्राम में जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अधिकांश बुक में इस तरह का डायग्राम जो दिया गया है उससे हम इसके पूरे जो बाहरी जितने भी करेक्टर्स हैं उनको समझ सकते हैं। इसकी हमें रेक्टेंगुलर आयताकार हमें ये दिखाई दे रहा है, या हम कहें बैग लाइक एक थैले के नुमाई आकृति का होता है, या पोटेटो के आलू के समान ये इसकी शरीर होता है। हर्डमानिया आर अटैच टू रॉक्स बाई फुट, जो इसका फुट होता है। अब इसमें फुट भाग जो ये आपको भाग जो दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये इसका फुट भाग है, और ये भाग क्या होता है किसी सबस्ट्रेटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, यानी ये अंदर धंसा हुआ पार्ट होता है जिस जगह से भी ये हर्डमानिया जुड़ा हुआ रहता है। द वूल ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, पूरी बॉडी को, हर्डमानिया की जो पूरी बॉडी है उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक कहलाता है पार्ट बॉडी प्रॉपर, जो रिमेनिंग जो पार्ट है ये कहलाता है बॉडी प्रॉपर, और जो नीचे वाला जो भाग है ये कहलाता है फुट। एडल्ट की अगर ये साइज की बात करें तो 9.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ये इसकी लेंथ हो गई। 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई, लगभग 7 सेंटीमीटर ये हो गया, और इसकी जो मोटाई होगी, मोटाई को यहाँ जैसे ये मोटाई हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। अब इसके आगे देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या पाए जाते हैं। बॉडी कवर्ड बाई टेस्ट, यहाँ ये महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर जो हर्डमानिया पढ़ रहे हैं उसमें हम जो मोस्ट करेक्टर्स हैं या सबसे इम्पोर्टेंट हैं या जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं बातों पे विशेष ध्यान रखते हुए ये टाइप स्टडी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उन्हीं को हम इसमें डिस्कस करेंगे। बॉडी पार्ट, जो बॉडी होती है वो कवर्ड बाय टेस्ट, टेस्ट बाहर की तरफ, जो ये बॉडी है इसके बाहर ही बाहर की तरफ एक कवच पाया जाता है, टेस्ट पाया जाता है, और वो टेस्ट एक ट्यूनिसिन का बना होता है, इसलिए ही तो जो यूरोकोडेटा है उनको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। बॉडी इसकी दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक पार्ट हो गया बॉडी प्रॉपर और दूसरा भाग हो गया फुट। अब जो बॉडी प्रॉपर जो भाग है वो क्या है, फ्री एंड ट्रू बॉडी पार्ट होता है, यानी जो वास्तविक इसका पार्ट होता है वो बॉडी प्रॉपर के रूप में ही होता है, क्योंकि जो फुट वाला जो भाग है एक्चुअली वो मोस्टली बना होता है टेस्ट का, और उसमें कुछ सेल्स ऐसी पाई जाती है जो कि डेड सेल्स होती है, और इसमें कई प्रकार के स्पाइक्यूल्स, कई प्रकार का डिपोजिशन भी यहाँ पर पाया जाएगा जिसको हम आगे देखेंगे। द फ्री एंड ऑफ द बॉडी बियर्स टू साइफन, जो फ्री एंड है उसमें दो साइफन पाए जाते हैं, एक को कहते हैं ब्रेकियल साइफन और जो दूसरा है उसको कहते हैं एट्रियल साइफन। एक हो गया ब्रेकियल साइफन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा हो गया एट्रियल साइफन जो यहाँ पर है। साइफन का मतलब हो गया एक उभार, और इनके ऊपर, इन उभारों के ऊपर, जैसे ब्रेकियल साइफन के ऊपर ब्रेकियल एपरेचर पाया जाता है, एट्रियल साइफन के ऊपर एट्रियल एपरेचर पाया जाता है। ब्रेकियल साइफन है जो एपरेचर, जिसके ऊपर ब्रेकियल एपरेचर जो पाया जा रहा है वो माउथ की तरह काम करता है, यानी हमारे मुंह की तरह काम करता है इन एनिमल्स में, जबकि जो एट्रियल एपरेचर है वो एनस की तरह काम करता है। अब हम समझते हैं दूसरा जो पार्ट है वो जो फुट है, फुट इज मेड बाय टेस्ट और ट्यूनिक, जो ये जो फुट है वो एक्चुअली जो टेस्ट है उसका बना होता है, जो इसके ऊपर जो कवच पाया जा रहा है मोस्टली उसी चीज का ये बना हुआ होता है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो टेस्ट है, जो ट्यूनिक है उसके बारे में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन भी किया गया है। हालांकि क्लासिफिकेशन में और भी करेक्टर्स हैं, लेकिन टेस्ट भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन का भाग था। टेस्ट इज ए आउटर कवरिंग ऑफ हर्डमानिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो टेस्ट है हर्डमानिया के सबसे बाहर का आवरण बना रही है,
अब जो चीज बाहर का आवरण बना रही है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करेगी, यानी उसको बचाने का, सुरक्षित करने का भी काम करेगी। ये एक थिक होती है, यानी इसकी मोटाई में होती है और लेस ट्रांसपेरेंट, या हम कहें कि ये अल्प पारदर्शी होती है, यानी हम अल्प पारदर्शी कुछ पदार्थों को हम इसके अंदर बाहरी रूप से देख सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखाई देते हैं। इट इज़ मेड बाई ट्यूनिसिन, ए टाइप ऑफ सेल्युलोज। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ट्यूनिसिन है कि आपको पूछा जाए जो यूरोकोड डेटा में जो टेस्ट बना होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है ट्यूनिसिन का बना होता है। और हम या यूँ कहें कि हर्डमानिया के बाहर जो टेस्ट पाया जाता है वो किस पदार्थ का बना हुआ होता है, वो है ट्यूनिसिन। और ट्यूनिसिन वास्तव में एक प्रकार का सेल्युलोज होता है। इट इज़ ए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक सहायक श्वसन अंग की तरह काम करता है। कौन? टेस्ट। किस प्रकार से करेगा ये हम बाद में देखेंगे, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे इसी में आगे, तब हम देखेंगे कि एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस तरह काम करता है। एन ए सेंसरी ऑर्गन्स, और ये सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करेगा इसके साथ में, क्योंकि कुछ नर्व्स सप्लाई रहेगी और उनके थ्रू मैसेज पहुंचता है, सेंस ऑर्गन की तरह ये काम करती है। न्यू टेस्ट इज फॉर्म बाय एपिडर्मिस सेल ऑफ मेंटल। मेंटल जो पहली जो लेयर है इनकी बॉडी के ऊपर, जो कि एपिडर्मिस से बना हुआ होता है, और एपिडर्मिस की कोशिकाओं के द्वारा इस टेस्ट का, इस आवरण का, इस कवच का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे बाहर की तरफ होता है, क्योंकि ये समय समय पर उतार भी दिया जा सकता है या इसमें धीरे धीरे ये कम होता रहता है, तो एपिडर्मिस की जो कोशिकाएँ हैं इसको नया बनाती रहती है। टोटल फुट ऑफ हर्डमानिया इज मेड बाई टेस्ट। जो हर्डमानिया का जो फुट है, एक तो हो गया बॉडी प्रॉपर पार्ट और दूसरा है फुट पार्ट। जो फुट पार्ट है वो पूरी तरह से टेस्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा टेस्ट में क्या क्या होता है, जिलेटिनस मैट्रिक्स पार्ट, वेरियस टाइप ऑफ कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स मतलब कोशिकाएँ पाई जाती है, कई प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, फाइब्रिल्स और स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, कंटिकाएँ पाई जाती हैं। अब इसके कार्य के बारे में बात करें तो टेस्ट का कार्य क्या क्या होगा, एक तो हो गया इसको सपोर्ट करने में, यानी इसको सहारा प्रदान करने में, प्रोटेक्टिव सीट की तरह काम करता है, यानी सुरक्षा आवरण की तरह काम करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन, श्वसन में भी ये मदद करता है, टैक्टाइल सेंस ऑर्गन, क्योंकि ये इसके पास में नर्व सेल्स होती है तो ये जो टैक्टाइल सेंस ऑर्गन है उसकी तरह भी काम करता है। अब हम समझते हैं सबसे पहला हर्डमानिया का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये तो हमें पता चल गया कि चूंकि ये कोडेट्स है और कोडेट्स में जितने भी सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, लगभग पूरी तरह से ये डेवलप होते हैं। तो हर्डमानिया एक कोडेट्स है और यूरोकोडेटा सबफाइलम के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्री कैनाल की सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग होती है, एक में माउथ ओपन होता है और दूरस्थ भाग पर एनस का ओरिजिन होता है। यानी यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ पाया जाता है जिसको ब्रेकियल अपर्चर भी कहते हैं, ये खुलता है आगे बकल कैविटी में, उसके बाद में फेरिंग्स रीजन में, इसके बाद में स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस वाले पार्ट में ये ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर हमने इंटेस्टाइन को डिवाइड नहीं किया है, मींस हमने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि इसमें इस तरह का कोई कैरेक्टर्स नहीं पाया जाता है कि डायामीटर में कोई खास डिफरेंस नहीं पाया जाता है। ह्यूमंस जितनी यहाँ पर वेल डेवलप इंटेस्टाइन भी नहीं पाई जाती है। अब हम समझते हैं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनके बारे में। यहाँ पर हर्डमानिया में लीवर पाया जाता है और लीवर के द्वारा ही यहाँ पर एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित पाचन की क्रिया, प्रोटीएज जो प्रोटीन से संबंधित पाचन के एंजाइम हैं, लाइपेज और जो लिपिड का या वसा का जो पाचन करते हैं उनसे संबंधित एंजाइम लीवर के द्वारा सीक्रेट हो जाते हैं, जिसमें एमाइलेज हो गए, प्रोटीएज हो गए एंड लाइपेज, ये अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा पाइलोरिक ग्लैंड्स भी पाई जाती है। हर्डमानिया इज ए सीलियरी और फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म। ये जो एनिमल है हर्डमानिया, ये सीलियरी फीडर है। पक्षमाभि पोषण की विधि इसमें पाई जाती है। मीन्स इनका भोजन का तरीका ये होता है कि ये अपने भोजन जो पार्टिकल्स हैं उनको एक धारा उत्पन्न करके, एक पानी में एक सीलिया की सीलियरी बैंड्स के थ्रू धारा उत्पन्न करके उनमें से फूड को अंदर लेते हैं। अब हम समझते हैं एक एक पार्ट को। पहले ये है हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम। हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्रेकियल साइफन है, यहाँ से हम ध्यान देंगे, जो ब्रेकियल साइफन है, फिर आप एक बार समराइज करके और देख लेंगे, ये जो ब्रेकियल साइफन है वहाँ पर ब्रेकियल अपरेचर पाया जाता है। और ब्रेकियल अपरेचर में इस प्रकार से 4 लिप पाए जाते हैं, 4 लोब्स पाए जाते हैं। इनकी ओपनिंग इस तरह से होती है। सॉरी, यहाँ से आप ध्यान से जब देखेंगे इसको तो आगे जाके एक स्पिंक्टर है यहाँ पर, जो कि इस वाला जो बकल कैविटी कह सकते हैं हम, ब्रेकियल कैविटी भी कह सकते हैं, यहाँ पर इसके डायमीटर को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रेकियल टेंटाकल्स भी पाए जाते हैं। ये टेंटाकल्स कीमोरिसेप्टर की तरह काम करते हैं, यानी भोजन में अगर कोई केमिकल को पहचानने में भी मदद करते हैं। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है फेरिंग्स वाला भाग, जिसको हम पढ़ेंगे कि इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया गया है। इसके बाद में यहाँ जो फेरिंग सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसके बाद में ये ओपन हो जाता है ईसोफेगस रीजन में। ईसोफेगस के बाद में जब आप देखेंगे तो ये पार्ट जो है स्टोमक है, स्टोमक के बाद में इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के बाद में ये ओपन हो जाते हैं रेक्टम में, और रेक्टम के बाद में एनस में इनकी ओपनिंग हो जाती है। यहाँ पर जो स्टोमक वाला पार्ट है वहाँ पर लीवर के 2 लोब पाए जाते हैं। लीवर इनमें हर्डमानिया में बाइलोब होता है, इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। इसके बाद में जो ये एनस है, आप सोच रहे होंगे कि ये बॉडी के बाहर कैसे कर दिया, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इनके इसके अंदर ही होती है और इसकी ओपनिंग एट्रियल अपरेचर पे होती है। एनस वास्तव में क्या है, एट्रियल अपरेचर पे ही इसकी ओपनिंग होती है। ये एनएस की तरह काम करता है जो कि एट्रियल साइफन के ऊपर स्थित होता है। यहाँ जैसे आप सम देख रहे होंगे यहाँ पर क्लोइका जो दिखाई दे रहा है। अब हम इसको देखते हैं एक एक पार्ट्स को। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो हमने पढ़ा एक एक पार्ट, यह है कंप्लीट होती है। लॉन्ग स्ट्रक्चर है, कोयल स्ट्रक्चर्स हैं यानी कुंडलित स्ट्रक्चर है। स्टार्ट फ्रॉम ब्रेंकियल अपरेचर टू एट्रियल अपरेचर। इसमें सबसे जो पहला पार्ट है वो है माउथ पार्ट। माउथ इज प्रेजेंट ऑन ब्रेंकियल साइफन। ये हमें पता चल गया कि जो ब्रेंकियल साइफन है उसके ऊपर माउथ पाया जाता है और इसके ऊपर 4 लोब लिप्स पाए जाते हैं, यानी यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए ये लोब पाए जाते हैं। माउथ के बाद में ओपनिंग होती है बक्कल केविटी की। बक्कल जो केविटी होती है वो एक ट्यूबुलर केविटी होती है, ट्यूब के समान एक केविटी होती है। यह जो पार्ट होता है लाइन बाय एपिडर्मिस सेल्स, जो बक्कल केविटी वाला जो भाग होता है एपिडर्मिस की कोशिकाओं द्वारा घिरा हुआ होता है। यहाँ पर ब्रेंकियल स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, यानी बक्कल कैविटी में कहा क्या होता है, ब्रेंकियल स्पिंक्टर पाया जाता है जो कि इसको रेगुलेट करता है। एट द बेस ऑफ ब्रेंकियल साइफन देर आर 64 ब्रेंकियल टेंटाकल्स। ये जो नंबर है ये महत्वपूर्ण है, कुछ कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये जो 64 ब्रेंकियल टेंटाकल्स हैं ये इस तरह पाए जाते हैं, इनमें 8 जो टेंटाकल्स हैं वो लार्ज होते हैं, 8 मीडियम होते हैं, 16 जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और 32 वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। या हम यूं कहें 8 बहुत बड़े होते हैं, 8 मध्यम प्रकार के होते हैं, 16 छोटे होते हैं और 32 जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। क्या होते हैं, ब्रेंकियल जो टेंटाकल्स हैं वो इस तरह से पाए जाते हैं।
अब ये जो टेंटाकल्स हैं वो क्या काम करते हैं उसको समझते हैं। दीज टेंटाकल्स वर्क एज ए सीव। सीव का मतलब होता है छलनी। मतलब ये जो टेंटाकल्स हैं, जब इस डायग्राम को एक बार देखिए आप, यहाँ पर जो ये ब्रेंकियल टेंटाकल्स हैं यहाँ पर ये क्या बहुत सारे पाए जाते हैं, तो ये एक छलनी की तरह काम करते हैं एंड टू सेंस ऑफ केमिकल्स ओ इन वाटर। जो यहाँ से पानी के थ्रू ही ये वहाँ से भोजन लेंगे, तो इसमें पानी के साथ में जो फूड मॉलिक्यूल्स आएगा तो उसमें किस प्रकार का वो होगा, उसको उसमें जो केमिकल्स होंगे उसको सेंस करने के लिए ये टेंटाकल्स काम करते हैं। क्योंकि ये टेंटाकल्स ये काम क्यों करते हैं, एज दे आर अटैच विथ द नर्व फाइबर्स, क्योंकि ये नर्व फाइबर्स के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। बक्कल केविटी के बाद में एलिमेंट्री कैनाल ओपन होता है फेरिंग्स के पार्ट में, और जो फेरिंग्स होता है हर्डमानिया में ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या हम यूं कहें इसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है प्री ब्रेंकियल रीजन और जो सेकंड भाग होता है ब्रेंकियल सेक। जो पहला जो भाग है प्री ब्रेंकियल रीजन, इसमें पेरीफेरिंजियल बैंड्स पाए जाते हैं। ये जो बैंड्स होते हैं ये इस जो पेरीब्रेंकियल रीजन है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स डोर्सल ट्यूबरकल, जो एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, और एंडोस्टाइल ग्लैंड पाई जाती है, आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। तो जो एंडोस्टाइल है वो आप ध्यान रखेंगे कि जो फेरिंग्स का जो पार्ट है वहाँ पर ये पाई जाती है। अब जो एंडोस्टाइल है, जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो थायरॉयड ग्लैंड के होमोलगस होती है, उसके समजात होती है। जो हमारी थायरॉयड ग्रंथि है उसके समजात होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है फेरिंग्स का उसको कहते हैं ब्रेंकियल सैक। ये बड़ा भाग होता है कंपेयर टू प्री ब्रेंकियल रीजन, लार्ज पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, और पीछे का पार्ट होता है। इन दिस पार्ट स्टिग्मेटा आर प्रेजेंट, यहाँ पर स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, ये आप बात ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस इट ओपन इनटू स्टोमक। ईसोफेगस आगे जाके स्टोमक में जो उसमें ओपन हो जाती है। स्टोमक क्या है, स्टोरेज एंड डाइजेशन पार्ट, जो मेन पार्ट है वो स्टोरेज और डाइजेशन का पार्ट है, यहाँ पर ही होता है। इसके अलावा पाइलोरिक ग्लैंड्स प्रेजेंट, इसके अलावा इसमें स्टोमक में पाइलोरिक ग्लैंड्स भी पाई जाती है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यू के आकार की होती है। इसके अलावा इस इंटेस्टाइन में शुरू वाले भाग में पाइलोरिक ग्लैंड्स भी पाई जाती है। नेक्स्ट है रेक्टम, इंटरनल कवर बाय सीलिएटेड एपिथीलियम। रेक्टम जो होता है वो सीलिएटेड एपिथीलियम से घिरा हुआ होता है, या उसमें अंदर की तरफ सीलिएटेड एपिथीलियम पाई जाती है। इट ओपन इन टू द एनस, ये इसकी जो ओपनिंग होती है वो एनस में होती है। एनल एपरेचर इज मेड बाय टेस्ट, ये टेस्ट से बना हुआ होता है। एंड इट्स हैव फोर लोब, और इसमें चार लोब पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। जो हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जा रही है उनके बारे में, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं लीवर के बारे में। लीवर बाइलोब होता है, दो इसमें लोब पाए जाते हैं। लीवर सीक्रेट एंजाइम्स, लीवर एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ये एंजाइम है एमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। पाइलोरिक ग्लैंड, दीज ग्लैंड आर प्रेजेंट इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, दोनों पार्ट में पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती है। अब हम समझते हैं फूड फीडिंग एंड डाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में। इसका इनका जो फूड होता है, हर्डमानिया का जो फूड होता है वो प्लैंक्टोनिक होता है, यानी ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको खाता है, जैसे कि एल्गी, डाइटम्स और जो सीलिएट होते हैं उनको ये खाता है। फीडिंग का जो मैकेनिज्म है, इसमें सीलियरी फीडर मैकेनिज्म के द्वारा ये भोजन लेता है, इनको फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हम देखते हैं डाइजेशन में, यानी जो पाचन की क्रिया इनमें कैसी होती है। पाचन में तीन प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए है,
प्रोटीएज प्रोटीन के डाइजेशन के लिए है एंड लाइपेज फैट के या लिपिड के डाइजेशन के लिए होते हैं, जो कि हमने देखा कि लीवर के द्वारा और जो पाइलोरी ग्लैंड है उनके द्वारा सीक्रेट होते हैं। अब हम देखते हैं अवशोषण के बारे में। एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषण होता है। रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड पुश आउट साइड, इसको बाहर कर दिया जाता है, जो भी बचा हुआ जो खाना होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम हर्डमानिया में, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, यानी हर्डमानिया रेस्पिरेशन कैसे करता है। हर्डमानिया में रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका अभाव होता है या वो एब्सेंट होते हैं। स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन हर्डमानिया। वॉल सरफेस ऑफ ब्रेंकियल सैक, जो ब्रेंकियल सैक है, एट्रियम जो रीजन है एंड फोल्ड ऑफ इंटरनल सरफेस, ये जो तीन पार्ट हैं ये गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं। एक हो गया ब्रेंकियल सैक, एट्रियम जिसमें वेस्कुलर ट्यूबरकुले पाई जाती है, और जो इसी पार्ट में जो इंटरनल सरफेस के जो फोल्ड पाए जाते हैं वहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा फेरिंग्स रीजन हाईली वेस्कुलर, जो फेरिंग्स का जो रीजन होता है वो भी हाईली वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर का मतलब ये हो गया कि वहां पर ब्लड की सप्लाई अधिक होती है, सो यहां पर भी गैस का एक्सचेंज कुछ मात्रा में हो जाता है। साथ ही साथ वेस्कुलर एम्पुला जो है वो भी एसेसरी रेस्पिरेटर ऑर्गन की तरह काम करते हैं, और वेस्कुलर जो एम्पुला है वो टेस्ट में पाए जाते हैं और ये एसेसरी सहायक श्वसन अंग की तरह काम करते हैं। अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया इंक्लूड, इसमें इंक्लूड किया जाता है हार्ट, यानी इसमें हृदय पाया जाता है। पेरिकार्डियम इसके बाहर का जो आवरण है, ब्लड वेसल्स पाई जाएगी और ब्लड भी इसमें पाया जाता है। यहां पर एक हर्ट दिखाया गया है, ये हर्ट है, इसमें बाहर की तरफ जो कवरिंग है वो पेरिकार्डियम है, इससे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर वेंट्रल अओर्टा, और उसके बाद में इनकी कई वेसल्स निकल जाती है। एक एक संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं हर्डमानिया के हर्ट के बारे में एंड इसके पेरिकार्डियम के बारे में। हर्ट इज ए ट्यूबुलर, एक ट्यूब के समान होता है, एंड इलोंगेटेड, एक लंबा स्ट्रक्चर है। पेरिकार्डियम इज ए थिक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वाल, यह एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भित्ति होती है जो कि हर्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है। हर्ट इज अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा होता है हृदय, और 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, लंबाई और ये चौड़ाई की बात हो गई। इनसाइड द पेरिकार्डियम ए थिन वाल ट्यूबुलर कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट विथ स्ट्रिएटेड मसल्स, यहाँ पर स्ट्रिएटेड मसल से बना हुआ हृदय पाया जाता है। द हर्ट इज अटैच अलोंग इट्स वाल लेंथ बाय द पेरिकार्डियम ए थिन कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप, यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप पाया जाता है, जो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, जो इसके ब्लड के जो इससे बाहर आता है और अंदर जाता है इसको रेगुलेट करता है। हर्ट इज ओपन एट द बोथ एंड, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसका हृदय होता है दोनों तरफ ओपन होता है। हम समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। हर्डमानिया में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे अलग प्रकार से होता है। हर्डमानिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बोथ वे होता है, या दो डायरेक्शन में वो होता है, यानी वो एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ उसका फ्लो हो जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि इसमें जो इसकी जो वेसल्स होती है जो वहाँ पर वाल्स नहीं पाए जाते हैं, वाल एब्सेंट होते हैं। ब्लड फ्लो इज कंट्रोल बाई पेरिस्टाल्सिस वेव, जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसको जो पेरिस्टाल्सिक वेव्स होती है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो गया। समझते हैं हर्ट से ब्लड जाता है वेंट्रल अओर्टा से, यहाँ से भी टेस्ट में चला जाता है, टेस्ट से वापस वेंट्रल अओर्टा में आ जाता है, वेंट्रल अओर्टा से हृदय में चला जाता है, हृदय से कार्डियो विसरल वेसल्स में, यहाँ से विसरल ऑर्गन एंड टेस्ट में चला जाता है, ब्रेंकियो विसरल वेसल्स में, डोर्सल अओर्टा, डोर्सल ब्रेंकियल वेसल्स, और वापस वेंट्रल अओर्टा। वेंट्रल अओर्टा से यह चला जाता है ब्रेंकियल वेसल्स में, ब्रेंकियल वेसल से डोर्सल अओर्टा में, लेकिन
यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि इनका जो पैसेज होता है वो हार्ट से कार्डियो विसलल वेसल्स में भी हो सकता है और यहाँ से वापस ये हार्ट में भी आ सकता है। तो इस प्रकार इनका जो फ्लो होता है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है और एनिमल में, एनिमल किंगडम में कहीं पर भी इस प्रकार का सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है। अब हम समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में। यहाँ पर उत्सर्जन के लिए एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं न्यूरल ग्लैंड, और ये न्यूरल ग्लैंड के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। यहाँ डायग्राम में भी आपको न्यूरल ग्लैंड दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसमें नेफ्रोसाइट सेल्स भी पाई जाती है, वो भी मदद करती है एक्सक्रीशन में। यहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में जैंथिन और यूरेट जो पार्टिकल्स हैं, यूरेट के जो कण होते हैं उनका सिक्रीशन किया जाता है। इसके अलावा जो न्यूरल ग्लैंड है, एक्सक्रीशन के अलावा न्यूरल जो ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है हार्मोन भी, और जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसके द्वारा वो कंट्रोल ओवी पोजिशन को कंट्रोल करती है, उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है और मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को भी कंट्रोल करती है। यानी न्यूरल ग्लैंड एक महत्वपूर्ण ग्रंथि हो जाती है। न्यूरल ग्लैंड इज होमोलोगस टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके समजात न्यूरल ग्रंथि को माना गया है। अब हम समझते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। नर्वस सिस्टम इसमें सरल प्रकार का होगा, लेस डेवलप होगा। हम एडल्ट की बात कर रहे हैं लेकिन ये थोड़ा डेवलप ज़्यादा होगा लार्वा में, तभी तो हम कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हार्डोमानिया में पाई जाती है, या हम यूँ कहें कि सब फाइलम जो यूरोकोर्डेटा है उनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मीन्स उनका जो लार्वा होता है वो एडल्ट की तुलना में एडवांस होता है, ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे उसमें बाद में मेटामॉर्फोसिस होते हैं उसके सिम्टम्स एडवांस से प्रिमिटिव में आ जाते हैं। वन नर्व गेंग्लिया इज प्रेजेंट, एक नर्व गेंग्लिया पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक नर्व गेंग्लिया है, ये नर्व गेंग्लिया है। बाइपोलर एंड मल्टीपोलर नर्व सेल्स यहाँ पर पाई जाती है। अब हम समझते हैं एक महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसको कहते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूरल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है किस किस के मिलने से बनता है। तो इसमें सबसे पहले है न्यूरल ग्लैंड, सेकंड है नर्व गैंग्लिया जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, न्यूरल ग्लैंड हो गया वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो गया, एंड डोर्सल ट्यूबुलर जो कि सेंस करने में मदद करता है। यानी ये तीन प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर न्यूरल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लिया और डोर्सल ट्यूबरकल है, ये तीनों मिलकर एक न्यूरल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। सेंस ऑर्गन के बारे में बात करें हार्डमानिया में, तो फोटोरिसेप्टर सेल्स पाई जाती है जो कि लाइट को सेंस करती है। कीमोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं जैसे कि टेंटेकल्स, जिसको हम बात कर चुके हैं। डोर्सल ट्यूबरकल भी जो अभी कॉम्प्लेक्स में हमने देखा, ये भी जो कि जो केमिकल्स होते हैं उनको मैसेज कर सकता है, उसको पता कर सकता है। डोर्सल ट्यूबरकल जो कि सेंस स्मेल और टेस्ट दोनों को भी मैसेज कर सकता है, यानी उसको पता कर सकता है कि स्मेल किस तरह की है और टेस्ट किस तरह का है। यानी ऑल ओवर बात यह है कि जो डोर्सल ट्यूबुलर है, ट्यूबरकल है, वो इस प्रक्रिया में जो केमिकल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में मदद करता है। अब हम समझते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी हार्डमानिया का जो प्रजनन है उसके बारे में। हार्डमानिया एक हर्मोफ्रोडाइट एनिमल है, यानी बाइसेक्सुअल एनिमल है, जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। यानी हार्डमानिया जैसे स्ट्रक्चर होती है उसी के में मेल जो ऑर्गन्स हैं और फीमेल ऑर्गन्स हैं दोनों ही पाए जाते हैं। वन पेयर गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स में यहाँ पर एक्चुअली गोनाड्स की संख्या तो बहुत होती है, लेकिन एक तरफ ये गुच्छों में इस तरह पाया जाता है और दूसरी तरफ इसके दूसरे पार्ट की तरफ दूसरी गोनाड्स भी प्रेजेंट होते हैं। टेस्टुलर रीजन एंड ओवेरियन रीजन प्रेजेंट होते हैं। गोनोडक्ट्स इसमें पाई जाती है। स्पर्म पॉलीमॉर्फिक होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है कि जो इसका स्पर्म होता है वो अलग अलग आकार का होता है। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है,
यानी अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी एक लार्वा अवस्था पाई जाती है जिसको कहते हैं टेडपोल लार्वा। और ये जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है ये एक हर्डमानिया का टेडपोल लार्वा है। यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होगा वो भी एक्सटर्नल होगा क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। हम गोनार्ड्स को समझते हैं, यहाँ पर लेफ्ट गोनार्ड को दिखाया गया है। यहाँ ओविडक्ट अपरेचर है, इसके थ्रू इसके ये ओपनिंग होती है ओविडक्ट से। इसके अलावा एक और जब आप देख पा रहे होंगे एक और पास में इसके जुड़ी हुई स्ट्रक्चर और पाई जा रही है जिसको कहते हैं स्पर्मेडिशियल अपरेचर्स। यहाँ पर आप दोनों पार्ट्स मतलब ओवरी वाले पार्ट भी फीमेल वाले पार्ट भी देख पा रहे होंगे और जो मेल का जो पार्ट है वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह ये ही इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात। इसमें ज़्यादातर वो पार्ट्स कवर किया गया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और आपको समझने भी में आसानी हो। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।